नोटबंदी के खिलाफ आज विपक्ष ब्लैक डे मना रहा है। बीएसपी नेता मायावती ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, सुनिए। 8 नवंबर को केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ये फैसला लिया और इन्होंने ये कहा था जब ये फैसला लिया कि मुझे 50 दिन का समय चाहिए और जो भी गरीबों को, मेहनत कश लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को या किसानों को, मजदूरों को जो भी दिक्कत आएगी उन सब दिक्कतों का, परेशानियों का समाधान कर दिया जाएगा। अब इस फैसले को मैं समझती हूँ लिए हुए तो लगभग एक महीना पूरा हो चुका है और जो विपक्ष लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर तो सरकार से ये डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये खुद फैसला लिया है तो ये इसलिए मांग कर रहा है कि उनको दोनों सदन में आना चाहिए और विपक्ष की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा है वो उनकी अपनी बात नहीं है ये।